हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देंगे। फ्रेंड्स, एक धमाकेदार न्यूज आप लोगों को बताएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगा। 17 दिसंबर यानी आज ही आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे सारा सब कुछ बता रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि रेलवे परीक्षा की पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे और ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी न्यूज या नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले वीडियो लेके आते हैं। फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान लाइव का जो न्यूज़ है, ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़ है, और इसी के जरिए आप लोगों को बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 पीईटी के लिए रेलवे ने बदला नया नियम। क्या नया नियम है, क्या खुशखबरी है, सब कुछ बता देते हैं। उससे पहले यहाँ पे न्यूज़ पढ़ के सुना देते हैं हम, थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसके बाद बताते हैं। रेलवे अब ग्रुप डी पदों की भर्ती में टिकट रिजर्वेशन की तरह प्रतीक्षा सूची बनाएगा। जिस तरह कंफर्म सीट वाले मुसाफिरों के ग्रेजरी होने पर, टिकट कैंसिल होने पर वेटिंग सूची वाले मुसाफिरों को सीट दी जाती थी, ऐसे ही नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग नहीं करने पर अब वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा, टोटल वैकेंसी आपकी है 62,907 और इसका 50% जो है वेटिंग लिस्ट जारी होगा फ्रेंड्स, लगभग 31,500, ठीक है। और ये और भी देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना नीरज कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पदों के सापेक्ष 50% अभ्यर्थियों की सूची जो है प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, मतलब 50% बनाया जाएगा फ्रेंड्स वेटिंग लिस्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और इनका ज्वाइनिंग जो है 1 साल के अंदर दिया जाएगा इन लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों को खुशखबरी दिखा देते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे और भी बताया गया है कि पीटी को लेकर भी नियम बदले, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। देखिए, रेलवे बोर्ड के पत्र में यह भी कहा गया है कि शारीरिक योग्यता परीक्षा पीटी के लिए रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएं। अब तक 2 गुना अभ्यर्थी पीटी के लिए बुलाए जा रहे थे, वहीं शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान पदों के सापेक्ष 2 गुना रेलवे अभ्यर्थी बुलाने का आदेश दिया है। मतलब कि फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि पहले पीटी के लिए 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, लेकिन फ्रेंड्स अब जो है इस बार 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा पीटी के लिए। ये नया नियम है और बहुत ही बड़ा खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लगभग 2 लाख बच्चों को जो है पीटी के लिए बुलाया जाएगा। यही पहले 1.3 लाख यानी 1,30,000 बच्चों को बुलाया जाना था, जो कि अब 2 लाख बच्चों को पीटी के लिए बुलाया जाएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें 2 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यानी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स कि पीटी के लिए 3 गुना बच्चे यानी लगभग 2 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1,30,000 बच्चों को लगभग बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों ने परीक्षा दी है, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खुशखबरी, दिन ब दिन खुशखबरी आ रही है। मैंने आप लोगों को अटेंडेंस वाली न्यूज भी बताई, जिसको 7 लाख बच्चों ने देखा है 3 दिनों में, बहुत ज्यादा प्यार मिला है उस वीडियो को आप लोगों से। उसमें उन्होंने बताया है कि 60% अटेंडेंस रह रहा है ओवरऑल ऑल जोन्स का फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए यानी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया है फ्रेंड्स। एक बात और आप लोगों को दिल से बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों का मार्क्स 50 से 55 भी बन रहा है ना, तो आप लोग अपना फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हार्ड है। आपने परीक्षा दी है, आप लोगों को पता है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। और जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को पता है, ये ग्रुप डी का लेवल का पेपर था ही नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, और यही मार्क्स जो है अपटन नॉर्मलाइज आपका 70 से 75 तक बन के आ जाएगा, और आपका रिजल्ट जो बनेगा वो नॉर्मलाइज पे ही बनेगा। अब आप लोगों को बता देते हैं कि आंसर की और रिजल्ट कब तक आएगा, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो आंसर की है वो आपका दिसंबर यानी 17 तारीख यानी आज ही आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, और दिसंबर के लास्ट वीक से, ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, माफ कीजिएगा, दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का जो है आंसर की आ जाएगा, यानी जनवरी के 5 तारीख तक, जनवरी 2019 के 5 तारीख तक आप लोगों का आंसर की आ जाएगा फ्रेंड्स।
और आंसर क्यू में आप लोगों का वो क्वेश्चन रहेगा जो आप लोगों को एग्जाम सेंटर में पूछा गया था, और साइड में आप लोगों का आंसर दिया हुआ रहेगा रेलवे के द्वारा। आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि रेलवे ने गलत आंसर दिया है तो आप लोग कंप्लेंट करो, आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो। फिर एक रिवाइज आंसर की आएगा जो उसके बाद रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, फाइनल आंसर की दोबारा जारी होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कब तक आ सकता है तो फ्रेंड्स रिजल्ट जो है आपका ये जनवरी का लास्ट वीक से, मतलब जनवरी के 25 तारीख से फेब्रुवरी की 1 तारीख तक, ठीक है, फेब्रुवरी की 1 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा, तो फ्रेंड्स मैं दिल से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों का 50 से 55 भी बन रहा है तो भाई समझ के बोल रहा हूँ, अपना ही भाई समझ के प्लीज यार फिजिकल की तैयारी करो। क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहा है, 50-55 मार्क्स कम नहीं है इस फॉर्मेट में, ठीक है, ये एग्जाम में 50-55 मार्क्स कम नहीं है, बहुत ही अच्छा ये स्कोर है। अगर आप लोगों का इतना बन रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज जो है फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि होगा सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यही मार्क्स आपका 70-75 बन के आएगा एप्टा नॉर्मलाइज, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी जो आप लोगों को देनी थी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं डॉक्यूमेंट्स का बना दूंगा, हजारों हजारों वीडियो का कमेंट आया डॉक्यूमेंट को लेके, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगला वीडियो आप लोगों को बना देंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही अगर चैनल में नए आए थे तो प्लीज़ अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।